हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा रेड एंड ब्लू आई लुक क्रिएट किया है विद द ग्लॉसी लिप। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ टोनर से, और मैंने यहाँ लिया है ये गुड वाइब्स का टोनर। एंड मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है एंड मैं अच्छे से अपने फेस में इसे पुश करूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का ये लाइट मॉइस्चराइज़र। एंड गाइस, समर के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लाइट सा आपको नरिशमेंट देता है आपके फेस में, कोई छिपछिपा सा इफेक्ट नहीं देता है। सो ये बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। तो मैंने इसे फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस में लगा लिया है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम। एंड गाइस, ये सीरम अब ख़त्म होने पे है एंड लॉकडाउन है, आप सभी जानते हैं। तो अभी कोई भी कुरियर वगैरह नहीं हो रही है, कोई भी शिपमेंट नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम चला रही हूँ। सो इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। देन मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ अपने आईब्रो से। एंड मैंने यहाँ माल्याओ का आईब्रो पैलेट लिया है एंड उसके साथ जो एप्लीकेटर ब्रश आता है, मैं उसी से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। एंड मैं कोई ड्रामेटिक सा अपना आईब्रो नहीं कर रही हूँ, मेरे आईब्रो का जो शेप है मैं उसी में अच्छे से इसे फिल करूँगी। एंड मेरे आईब्रो का जो स्टार्टिंग का है, मैं उसे वर्टिकल मोशन में फिल कर रही हूँ। देन मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो मेरी दूसरी आईब्रो भी डन हो चुकी है। देन मैं एक सिस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ एंड मैं अच्छे से अपने आईब्रो को क्लीन करूँगी। एंड मैं सेम कंसीलर को अपने आईलिड पे भी लगाऊँगी, आप देख सकते हो। देन मैं यहाँ एक स्पॉन्ज ले रही हूँ एंड मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड गाइज, आपको लगता हो कि मेरे हैंड्स का कलर और मेरे फेस का कलर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैं एक छोटा सा लाइट यूज़ करती हूँ जो कि मेरे फेस पे ही आता है, इस कारण से ऐसा लगता है। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये सिस ब्यूटी का पैलेट एंड इसमें से मैंने ये लाइट सा ऑरेंजी शेड लिया है एंड इसे मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। देन मैं ये डार्क शेड रेड शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं सेम ऑरेंजी शेड के साथ मिक्स करते हुए ब्लेंड करूँगी। एंड मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा वी शेप देते हुए स्प्रेड कर रही हूँ। देन मैं यहाँ ग्लैम 21 पैलेट से ये रेड शेड ले रही हूँ एंड मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे मैं अच्छे से क्रीज में एंड अपने आउटर वी में अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो। देन मैं यहाँ सेम कंसीलर ले रही हूँ एंड मैं एक हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। देन मैंने एक स्मॉल साइज स्पंज लेके इसे सेट किया है। मैं इसे कोई पाउडर से सेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक शिमरी सा शेड यूज़ करूँगी जो कि अच्छे से अप्लाई हो। तो मैंने यहाँ सेम ब्लू शेड लिया है सेम पैलेट से, ग्लैम 21 पैलेट से। देन मैं सेम रेड शेड को हल्का हल्का अपने एजेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। देन मैं यहाँ HR का ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन पे। तो यहाँ मेरी एक आई डन हो चुकी है। देन मैं यहाँ आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड ये मेबलिन का आईलाइनर है। मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। एंड गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये लुक कैसा लगा। देन मैं यहाँ अपने लैसेस को कर्ल करूँगी। मस्करा के लिए मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का मस्करा। मैंने यहाँ फॉल्स अप्लाई कर लिया है।
सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फेस मेकअप। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ लिया है ये लैक्मे का प्राइमर, एंड मैं इसे अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से लगा लूँगी ताकि मेरे पोर्स अच्छे से मिनिमाइज हो जाएं। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन, एंड मेरा शेड है 128, एंड इसमें मैं हल्का सा एलोवेरा जेल भी मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मेरे फेस पे है वो हल्का सा नेचुरल सा ग्लो आए। एंड गाइज, एलोवेरा जेल लगाने के बाद ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होती है, तो मैं इसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने अपने नेक एरिया को भी अच्छे से कवर कर लिया है। एंड गाइज, मैं ये कैमरे के इफेक्ट के वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो इसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा सॉरी मांग रही हूँ आपसे। तो देन मैंने यहाँ सेम सिस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने सारे हाइलाइटिंग एरिया पे, एंड मैं इसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइज, आप देख सकते हो मैंने कितना थोड़ा सा कंसीलर लिया है, क्योंकि मुझे इस कंसीलर की जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा कंसीलर लिया है। देन मैं एक लूज पाउडर लेके इसे अच्छे से शेड कर लूँगी। मैं सिर्फ अपने अंडर आइज़ को शेड कर रही हूँ। देन मैं ये ब्राउन शेड लेके अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी बहुत ही लाइट हैंड से, आप देख सकते हो। मैं बस अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा शार्प कर रही हूँ, तो मैं अपने सारे एरियाज पे अच्छे से लगा लूँगी, जॉ लाइन पे, फॉरहेड पे। देन मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। एंड गाइज, अगर आप भी बिगनर हैं तो आप अपने फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ को कॉन्टोर करें, ये बहुत ही ईजी वे है एंड बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। सो देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये पीची सा शेड, अपने चिक्स पे कलर अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये मेबेलिन का न्यूड शेड, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड गाइस, बहुत ही। एंड ये लिपस्टिक भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये लैक्मे की पीची लिपस्टिक, इसे मैं बस अपने हल्के हल्के अपने मिडिल ऑफ द लिप्स पे लगाऊंगी। देन मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, एंड इसे मैं अपने सारे यूजुअल एरियाज पे लगा लूँगी, अपने टिप ऑफ द नोज, अपने चिक बोन्स, अपने फोरहेड, अपने लिप्स, अपर ऑफ द लिप्स पे, अपने ब्रा बोन्स पे, मैं सारी जगह इसे अच्छे से लगा लूँगी। देन मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ। देन मैं एक रेड शेड ले रही हूँ, एंड अपने मैं लोअर लेस लाइन को अच्छे से स्मज आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैं सेम ब्लू शेड ले रही हूँ, एंड इसे मैं अपने इनर को और कॉर्नर के लेस लाइन पे लगा रही हूँ। देन मैंने यहाँ NYBA का वाइट काजल लिया है, एंड मैं इसे अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ। सो यार गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप आप लोग ये लुक पसंद आया हो। सो बाय गाइज, टेक केयर।